आखिरी नाश्ते की बात करते हैं जो मेरा सबसे फेवरेट है और मुझे पता है कि वो कई लोग तो खाते ही नहीं है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन खाना बहुत जरूरी है। वो है मसाला दलिया। हाँ बट अब इसको कोई ऐसा वैसा दलिया मत समझना, थोड़ा सा अलग टाइप का दलिया है ये। इसमें मैंने एक स्पेशल मसाला डाला है ऊपर से। तो सबसे पहला काम क्या करना है, वो हमें दलिया को रोस्ट करना है। मैंने यहाँ पर आधा कप दलिया लिया है, आधा कप दलिया बहुत है 2 से 3 लोगों के लिए। अच्छा, रोस्ट करते हुए इसमें घी तेल कुछ भी मत डालना, ड्राई रोस्ट आप करना, दलिया बहुत बढ़िया ड्राई रोस्ट होता है, घी तेल डालने की कोई जरूरत नहीं है। स्टर करते रहना और मीडियम फ्लेम पर करना, बहुत आराम से 3 से 4 मिनट में दलिया बढ़िया रोस्ट हो जाता है। आप देखो ब्राउन कलर का हो गया है ना, हल्का हल्का, बहुत आराम से हो जाता है। अब फटाफट से शिफ्ट करते हैं कुकर पे। जी हाँ, कुकर रखना है। कुकर में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, इसमें यहाँ पर जीरा डालूंगा, मस्टर्ड सीड्स, कड़ी पत्ता, और आपको तो पता ही है कि थोड़ा सा इसको भुनेंगे ना, थोड़ा चटकना चाहिए ना, अगेन है ना, तभी फ्लेवर आएगा। अब यहाँ पर फिलिंग बनाने के लिए आप यहाँ पर एक आलू जरूर डालना मीडियम, ये रफली चॉप्ड अप आलू है। थोड़ी देर ही इसको भुनेंगे, ज्यादा देर बिल्कुल भी नहीं भुनना, थोड़ी देर ही भुनना क्योंकि वैसे भी हम प्रेशर कुकर में पका रहे हैं। आलू के साथ साथ थोड़ी देर भुनने के बाद आप यहाँ पर अदरक डालना, मिर्च डालना, हरी मिर्च 2 काफी होंगी, एक मीडियम कटा हुआ फाइनली चॉप प्याज डालना। इसको थोड़ी देर अगेन रोस्ट करेंगे और फिर से यहाँ पर बेस्ट बात तो वही है कि हमें प्याज को भुनना ही नहीं है, हल्का सा रोस्ट करना है, बस लूसेंट होने तक पकाना है। फिर से सारे नाश्तों में मैंने एक ही थीम को कॉपी कर दिया है, नहीं एक्चुअल में काफी कन्वीनियंट हो जाता है, 15 मिनट में बनाने में भी आसानी होती है। अब आप यहाँ पर सब्जियां डाल देना, जैसे कि मटर, गाजर, बीन्स, वही अपनी बेसिक सब्जियां। साथ में आपको तो पता ही है कि भुनते हुए हल्दी आएगी, हल्दी तो जरूर डालूंगा इस टाइम पे मैं, इसको भी भून लेंगे सब्जियों के साथ। और अब आपने यहाँ पर दलिया डालना है। जब दलिया को फूलने का टाइम होगा, जब बॉइल करने का टाइम होगा, तो उसी टाइम पर नमक भी डालना है। वैसे तो सेम सारी चीजें हैं, अभी डिफरेंस आएगा, अभी मैं बताऊंगा कब आएगा। तो अब यहाँ पर 3 times पानी डाल देना, मेरे हिसाब से 3 times होगा, और इनफैक्ट मैं बाद में और डालूंगा इसको पतला करने के। अभी प्रेशर कुकर देते हुए 3 times पानी, तो आधा कप था दलिया, 1.5 कप पानी। प्रेशर कुकर का आप ढक्कन लगाना और इसको मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी आने देना, और 2 सीटी में, अच्छा जब तक हमारे प्रेशर कुकर की सीटियां आ रही है तब तक हम एक बढ़िया सा मसाला बना लेते हैं। मसाले में क्या क्या है, लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है काफी सारा, साथ में खटास के लिए मैं वैसे आमचूर और अनारदाना डालना चाहता था लेकिन मुझे पता है वो होता नहीं है सबके पास, तो आप यहाँ पर चाट मसाला डालना। साथ में आपने डालना है गरम मसाला, गरम मसाले के साथ साथ भुना हुआ जीरा पाउडर। नमक बिल्कुल भी मत डालना इसमें, नमक तो ऑलरेडी दलिया में है ना, ये तो फ्लेवर इनहेंसर है बस हमारा। 2 सीटी के बाद दलिया अच्छे से आएगा, पूरे प्रेशर कुकर को आप ठंडा होने देना। जब ठंडा हो जाएगा आप प्रेशर कुकर खोलोगे। अब आता है मेन पॉइंट, ये तो सब पहले जैसे ही था सारी चीजें, अब आता है मेन पॉइंट कि भैया इसका फ्लेवर एनहांस कैसे करेंगे। इस टाइम पर आप आधा से 1 कप पानी डाल देना, डिपेंडिंग कि आपको कैसा टेक्सचर चाहिए। मुझे थोड़ा पतला चाहिए तो मैंने 1 कप डाला है, अगर आपको हल्का गाढ़ा पसंद है तो आप आधा कप डालना, 1 कप मैंने डाला है। फिर क्या करेंगे कि इसको पकाएंगे और जो आलू है ना उनको हल्का सा क्रश करते जाएंगे, थोड़ा दलिये से गाढ़ा होगा, थोड़ा आलू से गाढ़ा होगा और कॉन्सेंट्रेटेड बनना शुरू हो जाएगा। यही आपने करना है, फटाफट से आप इसको ट्रांसफर करो एक बोल में। अब मैं बताता हूँ इसकी सेटिंग कैसे करें, बड़ी सिंपल है। आप यहाँ पर कटा हुआ प्याज डालना, इसके ऊपर मसाला डालना जो हमने स्पेशल मसाला बनाया है, नींबू डालना इसके ऊपर, और सीरियसली बहुत ही टेस्टी लगता है। वैसे अगर मैं घर पे अगर बनाता ना, मतलब वीडियो के लिए मैं इसको हेल्दी ऑब्वियसली बना रहा हूँ, पर अगर मैं घर पे बनाता तो मैं घर पे इस पे पापड़ी भी तोड़ के डाल देता, थोड़ी ज्यादा नहीं थोड़ी सी, बहुत एक्सट्रीमली टेस्टी लगती है। मतलब जो दलिया नहीं भी खाता ना वो भी बहुत दिल से खाएगा।